हेलो माय डियर लवली एंड क्राफ्टी फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजुम आर्ट एंड क्राफ्ट। और मैं अंजुम आज आपके लिए लेके आई हूँ बड़ा ही प्यारा सा वॉल हैंगिंग आइडिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने क्राफ्ट पेपर की एक कटिंग ले ली है, 8x8 की है, और इससे मैं प्लीट्स बना ले रही हूँ। प्लीट्स पूरी बनाने के बाद, और ध्यान रखें प्लीट्स थोड़ी छोटी हों। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरे आगे आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। ये देखिए प्लीट्स बन चुकी हैं, और प्लीट्स बनाने के बाद ये देखिए मैं इसे सेंटर से फोल्ड कर दे रही हूँ। सेंटर से फोल्ड करने के बाद ये एक लीफ का शेप ले लेगी और मैं इसे ग्लू से पेस्ट कर दूँगी। जैसा मैंने आपको बताया, मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ करती हूँ क्योंकि फैब्रिक ग्लू बहुत जल्दी फास्टली इसे पेस्ट कर देती है। आप चाहें तो नॉर्मल ग्लू यूज़ करें। ये देखिए ऐसे मैंने कुछ लीव्स बना के तैयार कर ली हुई हैं, और ये मैंने कार्डबोर्ड राउंड शेप का ले लिया है। ये 10 सेंटीमीटर डायमीटर का है, और आप शेप या साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर मैंने इस पर ये लीव्स पेस्ट कर दी हैं, और पूरा सर्कल कवर कर देती हूँ मैं पेस्ट करके। देखिए मेरी कैट भी बीच में डिस्टर्ब कर रही है, और ये प्लेफुल मैनर में है, ऐसे लग रहा है इतनी स्पीड में क्या हो रहा है। ये देखिए पेस्ट हो गई है सारी। अब एक अंदर भी, एक सेंटर से भी करूँगी तो दो के बीच में एक लगाएं, और इसे मैं ग्लू गन से पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए ये हॉट ग्लू गन से पेस्ट करती जा रही हूँ, उससे जल्दी स्टिक हो जाता है गाइस, और ड्राई होने भी ईजी हो जाता है। ये देखिए मैं एक A4 साइज शीट ले रही हूँ, उसे 2 पीसेस में कट कर लिया है मैंने। कट करने के बाद फोल्ड करके मैं सीजर की हेल्प से इसे कट करते जा रही हूँ, और बैक साइड फोल्ड करके ग्लू लगा के मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। इससे ये फ्लफी सा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। और इसके बाद आप इसे ग्लू लगा के मैं इसे रोल करते जा रही हूँ, और रोल करके मैं इसे फ्लावर बना रही हूँ। आप देखें ये कितना ही अच्छा लग रहा है, और फिर मैं इसे सेंटर में पेस्ट कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के वीडियो के कलर्स, आज जो मैंने ये स्टफ बनाया है इसके कलर्स चूज़ मेरे कैसे रहे और ये कैसे लग रहे हैं। तो ये देखें, ये मैंने रोल करना स्टार्ट कर दिया है ग्लू लगा के, और ये रोल होता जा रहा है। और आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं इसमें। सिंपली मैं इसमें ग्लू लगा के इसमें वो फ्लावर पेस्ट कर दे रही हूँ। मैंने पाइप्स बना रखी हैं, पेपर पाइप्स, जो मेरे पीछे वाले वीडियो में आपको इसकी ट्यूटोरियल मिल जाएगी। और ये देखिए मैंने इसे फिनिश लुक दे दिया है, और ये बनके बड़ा ही प्यारा तैयार हुआ है। ये आपके वॉल डेकोर में बड़ा ही अच्छा लगने वाला है। होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो आप चलें, फिर मिलती हूँ मैं अपने नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।